हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हरप्रीत द स्पार्किंग सोल पे। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय फर्स्ट ऑर्गेनिक होम रेमेडी। इस होम रेमेडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपकी स्किन को लाइट करती है, ब्राइट करती है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस रेमेडी। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लोर, बेसन, एंड सेकेंड इज़ टर्मेरिक हल्दी, थर्ड इज़ राइस फ्लोर चावल का आटा, एंड फोर्थ इज़ कर्ड दही। अब आपने एक चम्मच बेसन लेना है। एंड 2/4 स्पून आपने हल्दी लेनी है। आधा चम्मच राइस फ्लोर, एंड आपने इस सारे मिक्सचर को कर्ड के साथ मिक्स करते जाना है। जब तक ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक हमने कर्ड ऐड करना है इसमें। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हम थोड़ा और कर्ड ऐड करेंगे। तो गाइस, ये हमारा पेस्ट तैयार है और अब मैं इस मिक्सचर को अपने फिंगर्स के साथ अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो इसे ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। गाइस, इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट बेसन है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि आपकी स्किन पर से ये टैन रिमूव करता है, आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करता है, साथ ही में ऑयल की प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। और जो सेकेंड है टर्मेरिक, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। एंड थर्ड है राइस फ्लोर, ये आपकी स्किन को वाइट करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे उसको भी रिड्यूस करता है। एंड जो फोर्थ एंड लास्ट है वो है कर्ड, ये कर्ड है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपके जो पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं वो उनको टाइट करता है, स्किन टोन को इवन बनाता है और जो साइंस ऑफ एजिंग होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। अब हमने इस पेस्ट को अच्छे से अप्लाई कर लिया है फेस पे। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक। अब अच्छे से अप्लाई करने के बाद इस मिक्सचर को आप 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें। तो गाइस, 15 मिनट हो गए और ये ड्राई भी हो गया है। तो अब थोड़ा सा पानी लेकर आप जेंटली मसाज करें। गाइस, हार्शली मसाज बिल्कुल मत करना। जो राइस फ्लोर प्रेजेंट है इसमें उसके पार्टिकल थोड़े लार्ज होते हैं क्योंकि उनका फाइन पेस्ट नहीं बन पाता, तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। गाइस, ये रेमेडी सच में बहुत इफेक्टिव है। सो ये थी हमारी फर्स्ट रेमेडी। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ हुई है एंड थोड़ी लाइट भी हुई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन।